कान खोल कर एक बात सुन लो मेरी, अगर उस नूर सबा का भूत तुम्हारे सर से ना उतरा तो क्या अपनी जिंदगी से इस घर से निकाल देंगे मुझे? नहीं, मैं उस नूर को कत्ल करवा दूंगी। कसूर मेरा है, नूर से किस चीज का बदला लेना चाहती हैं आप? तुम्हें बहकाने का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का। बर्बाद तो उसकी जिंदगी हमने की, हमने। देखो अपने आप को, लुक एट योरसेल्फ। जब तक वो जिंदा है तुम बीमार रहोगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसकी वह हालत ऐसी थी कि मुझे उसके इलाज में असिस्ट करना पड़ा। उसकी मां के कहने पर उससे मिला और बस, ट्रस्ट मी, अब नहीं जाऊंगा। उसकी मां की ऐसी की तैसी, तुम उस साइको लड़की से नहीं मिलने जाओगे? कैसे कर लूं तुम्हारा यकीन? यकीन तो आपको करना ही पड़ेगा। हेलो, कोई है? प्लीज मुझे यहां से निकाल दो, प्लीज मुझे सांस नहीं आ रहा। प्लीज रीमा, रीमा हेल्प मी। मैरी रीमा, मुझे निकालो यहां से। गुड मॉर्निंग लैला जी। लैला भाग गई, यहाँ मजनू रहता है। शाबाश, लगता है दिल का मौसम आज अच्छा है। धूल मिट्टी बैठ गई पीछे बची में और मैंने खुद को हवापुर्द कर दिया, जात से तेरे सुपुर्द कर दिया। खिड़की विड़की खोलो, एसी चलाओ। ये क्या, सारी लिपस्टिक खराब कर दी। मिटाना नहीं तो हसीन लग रहा है। सलमान, तुम्हारी मोहब्बत इश्क, मोहब्बत तो बदनाम होती है, बदनाम करती हो। ये तो इश्क है।
खिलाओ पिलाओ तुम लोग के समझ की बात नहीं है। ए, ए, बाकी के तुम लगा लेना। हाँ भाई क्या आज? अरे वो ये सूखे अंडे। Good morning. Good morning. कल रात मैं गुस्से में थी और उस लड़की को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन फिर मैंने कुछ सोचा और अपना फैसला बदल लिया। इस बार नूर ने नहीं, उसकी मां ने तुम्हें बहकाया है। यानी बेटी के गम में नीम मुर्दा हो जाने वाली अब उस औरत की बारी है। हर इंसान की जिंदगी का एक मकसद होता है और मेरा भी है। खानदान का नाम बड़ा करना है मुझे और इसलिए मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करती हूँ। पर अगर किसी कम अकल इंसान को मैं बुरी लगूं, आई रियली डोंट केयर। मैं तुम्हारी लव स्टोरी की विलन नहीं हूं। मुझे नफरत है विलन से और हीरो से भी। But I love you. माँ, बाप, बहन, भाई, मिलिए सब कुछ आप हैं। मैं आपको छोटा साबित नहीं करना चाहता। My baby, I love you too. नाश्ता करो। सुबह सुबह सिगार पीना मना है। बेटा कल भी तुमने नहीं पीने दिया, ये तो जाती है ना। डैड आपको तो पता है आई डोंट लाइक स्मोकर्स। आई नो बेटा, दिस इज अ बैड हैबिट, आई वांट टू क्विट, बट क्या करूं, बुरी आदत है, पुरानी आदत है, मुश्किल से जाएगी। खैर इसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने कल टेक्स्ट किया था, क्या कहना चाह रही थी? वो मैंने आपसे कहना था कि आप किरण जी से बात करें ना। व्हाट, उस साइको सलमान के लिए? नो वे, डैड इज अ गुड बॉय और साइको तो वो लड़की है। है? यू मीन वो अभी भी है? थी, है, मेरा मतलब है कि अब वो एक मेंटल इंस्टीट्यूट में है। आपको तो पता ना वो किस तरह से सलमान के पीछे पड़ी हुई थी। सलमान तो सब में विक्टिम है। सलमान इनोसेंट नहीं है और ये रिश्ता हम तोड़ चुके हैं। आप वापस ढूंढ लेना। लेकिन अगर मगर कुछ नहीं, अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं वापस अमेरिका चले जाऊंगी। और डैड अगर मैं इस बार अमेरिका गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। एंड यू नो दैट आई मीन दिस। की माँ इस दुनिया से जल्दी चली गई। मरे हुए इंसान की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अच्छी खासी मगरूर औरत थी। जिंदा होती ना तो तुम्हारी और तानिया की शादी में अच्छी खासी मुश्किलात पैदा करती। तैफूर अंकल को भूल रही हैं, हम दोनों आईसीयू में थे और उन्हें खबर रोकने की पड़ी थी। आजकल के दौर में आखिरकार मीडिया को संभाल ही लिया ना उसने। He's a big man.
बिग मैन तो अंडरटेकर भी है, 7 फुट से ज्यादा हाइट है, तो क्या उसके घर भी रिश्ता देखूं? हा हा हा, नॉट फनी। तुम सिर्फ तानिया को देखो, वो तुमसे जुड़ी रही ना, तो उसका बाप क्या, सारी दुनिया भी इस शादी को नहीं रोक सकती। बिन माँ की बच्ची है, कुछ तो ख्याल करो। बिन बाप की बच्ची तो नूर भी है, उसका क्या? आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, बस मियां बीवी के रिश्ते को तुम्हारे अंदाज से समझना चाहता हूँ। शादी कर रहे हो डॉक्टर? मुझ जैसे को कौन रिश्ता देगा? जिसे रिश्ता निभाना हो उसका हाथ कोई भी पकड़ लेता है। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ जो हुआ दुनिया में कई लड़कियों के साथ हो रहा है। औरत ना एक शफाफ मोहब्बत और बेदाग महबूब चाहती है, लेकिन कहीं ये जालिम समाज और कहीं मजलूम मर्द। मर्द मजलूम कैसे? छोड़ते वक्त जो पीछे मुड़कर ना देखे कि कितनी कीमती हस्ती छोड़ के जा रहा है, ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? सोचना पड़ेगा। सोचो, और अगर जवाब मिले ना तो मुझे जरूर बताना। कुछ खिलाओगे नहीं आज? यकीन हो गया है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते? अपनी मंगेतर के पैर पकड़कर माफी मांगी उससे, और तुम खुद पर ध्यान दो। कब तक एकतरफा मोहब्बत करती रहोगी? मोहब्बत होती ही एकतरफा है, दो तरफा तो सड़कें बनती है। मैं कहां फंस गया? जहां फंसे हो वहीं से तो निकालना चाहती हूँ तुम्हें। योगी कहाँ है? झूठ क्या है सच क्या? मैं नूरे सबा हूँ ये सच है, तुम नूरे सबा हो ये झूठ है। तो जो है उसको सच्चा कह के वाह वाह क्या बटोरूंगी, और जो नहीं है उसको झूठा कह के आ आ क्यों करूँ? मतलब ये बहस ही बेकार है डॉक्टर, समझ आया कुछ? सलमान तुम्हें छोड़ के जा चुका है, ये भी तो सच है। तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। मतलब? ये जो रह गए दश्ते फिराक है ये रुके अगर तो पता चले कि जो फासलों की सलीब है ये कड़ी हुई है कहाँ कहाँ। क्या? फिर बताऊंगी। क्यों? सब कुछ आज बता दूंगी तो कल क्या पूछोगे? कल होगी? होगी, कल होगी, हो जाने दो। चलते हैं, इस जालिम समाज में हमारी और भी खिदमत चाहिए डॉक्टर। आदाब। किरण जी ने कह तो दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे शक है कि क्या वो नूर को कत्ल करवा सकते हैं? सवाल तुम्हारा, जवाब भी तुम ही दो। मैंने किरण जी को मेरे लिए खानदान की तरक्की के लिए सिर्फ कुर्बानी देते देखा है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, और अगर नूर को कभी कुछ हुआ
तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। सोचो योगी, मैं नूर को बुला नहीं पा रहा और तानिया को भी नहीं, है ना? आई नो। तुम्हारी छोटी सी लापरवाही की वजह से पता कितना नुकसान हुआ। आंटी विवन सॉरी। सॉरी तो तुम होगी अभी, मेरी बात सुनो। जी। पहले नूर और अब टीना, उसको कैद कर लिए। तुम वार्डन हो या जेलर? 2-in-1, 3-in-1 होना चाहते। शुक्र करो उस दिन बच गए, वरना इस वक्त जेल में चक्की पीस रहे होते या पागल खाने में ना बिजली के झटके खा रहे होते। मेंढकी को जुकाम के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तुम्हें तो गोली के ऑर्डर थे ना, बच कैसे गए? साजिशी? मेरा टबैको खत्म हो गया, जल्दी से मंगवा। जाती मुलाजिम नहीं हूँ मैं किसी की, और ये जल्दी क्या होता है? तंबाकू है, कोई जान बचाने वाली दवा नहीं है, कल मिलेगा। सुनो वार्डन, गौर से सुनो, पहली और आखिरी बार कह रहा हूं मैं कि तुम यहां क्यों आई हो, क्या करने आई हो? क्यों ना आऊं, मैं तो आऊंगी। वो देखो कहां है वो अंधा बहराम, उसको बुलाओ जरा, दिखाओ उसको ये औरत आ गई है यहां। कौन औरत, किधर? तुम भी अंधी हो गई, तुम्हें नजर नहीं आ रही औरत सामने खड़ी है? नहीं खड़ी, कोई पकड़ो इसको, काबू करो इस बुड्ढे को। बुड्ढा किसको कहे, अंधी तुम हो? बुड्ढा मुझे कह रही हो, वो देखो वहां सामने खड़ी है, ये औरत खड़ी है सामने। ये क्या हो रहा है, क्यों शोर मचा रखा है आपने? ये मुझे मारने आई है, ये मुझे मार डालेगी, ये मार डालेगी मुझे। कुछ नहीं होगा, ले जाओ इन्हें, ले जाओ। नहीं नहीं, ये मुझे मारने आई है, इसको इसको निकालो यहाँ से। आप आए मेरे साथ। ये मिले हुए चलिए। ये इतनी बड़ी औरत तुम्हें खड़ी हुई नजर नहीं आई? नहीं, खैर मैं तो बह रही हूँ, यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या है। देखिए आपका प्रॉब्लम अपनी जगह, मगर सीरियस मेंबर्स को किसी भी वक्त विजिट की इजाजत नहीं है। अगर कोई जरूरी था तो आप डॉक्टर से पूछ कर आ जाती। वो कभी भी मुझे इजाजत ना देते, क्योंकि तैमूर मुझे देखते ही भड़क उठता है। जी हाँ, वो तो मैंने देख लिया। आपका मसला क्या है? देखिए वो खुद तो यहाँ पड़ गए, लेकिन मेरी बहुत बड़ी रकम फंस गई है उसकी वजह से, और मुझे वो वापस चाहिए हर कीमत पर, हर सूरत में। जी बहराम ने बताया था मुझे कि कोई केस चल रहा है आपका इस सिलसिले में। जी बस आप मेरी ये फेवर कर दें कि एक सर्टिफिकेट दे दें जिसमें बस सिर्फ ये लिखा हो कि तैमूर की हालत ठीक नहीं है और वो लाइलाज हो चुके हैं। देखिए मिसेस तैमूर, हम पागल खाने से लोगों को यहाँ इस कमिटमेंट पर लेकर आए हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर माशरे और अपने ख़ानदान का कारामद हिस्सा बनेंगे। वो लाइलाज है ये तो हम कभी भी लिखकर नहीं दे सकते, आपको उनके सेहतयाब होने का इंतजार करना होगा। मेरा 201 करोड़ फंस गया है और आप कह रही हैं मैं इंतजार करूं? ओह आई सी, आपके शौहर तो खासे कीमती हैं, इतनी बड़ी रकम का मामला है ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता होना चाहिए था ना। वैसे ये अक्सर फ्रीज क्यों हुए रहते हैं? किसके भेजो है? किसके नहीं है, बहुत सियाने लोग हैं। जाओ। रुपया को नहीं चाहिए। अगर अब तुमने उसका नाम लिया तो मैं तुम्हें टक्कर मारूंगा। मैं टक्कर खा लूंगा, ज़ुबैदा को नहीं भूल सकता। चुप। आहिस्ता। रीमा, कितनी मरतबा तुमसे कहूं मैं? मेंबर्स की डेली रूटीन शीट फिर खा ली। सर वो क्या? सर वो तुम्हें क्या हुआ है? हेलो गुमसुम हो तुम? किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? कहीं दर्द? गुड, तुम इम्प्रूव कर रहे हो। तुम्हारी कड़वी दवाइयाँ मैंने सारी मीठी करवा दी हैं, ठीक है? इस कड़वी गोली को भी जलेबी वाले शीरे में टुक्की लगवा दे। तुम्हें तो मैं सोते में नींद का इंजेक्शन लगवाऊंगी। डॉक्टर साहिबा, वो आप मेरे और टीना के बारे में भी सोचे ना। इसके कहने पर नहीं, मेरे कहने पर सोचे। उसे बताएं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। टीना काफी अपसेट है। जो उसके दिमाग में एक्ट्रेस सवार रहती है वो उस वजह से अपसेट है। ज़ुबैदा, चूल्हा जलता छोड़े कहाँ चली गई थी? लिया जल गई,
गैस महंगी है, बिल कौन भरेगा? मैं भर दूंगा, तुम हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ने के लिए कौन पकड़ता है? पुराना हो गया कोजिया। इतने पप्पू को कोजा कहने पर सर एक बिजली का झटका लगा दे इसे सर। ओके ओके ओके, सब अपनी एक्टिविटीज पे लग जाएं। कम ऑन एवरीबॉडी राइट नाउ क्विक। चलो चलो सारे चलो। अगर ये फैसिलिटी मेरे पास होती तो सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स अपने आप को देता मैं। सबका थोड़ा बहुत ही नफसियाती प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान देंगे तो ठीक हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान तो मुझ पे दो तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तुम्हारा मसला क्या है? मोहब्बत करने वाली चाहिए तो नूर के पास चली जाओ, मैं तुम्हारी बात करूंगा। शट अप। टेढ़ी रे रे छोड़ दबो सब टेढ़े। सुबह तो यूं चिल्ला रही थी जैसे एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड सब इसे चाहिए, और अब इसे होश भी नहीं है। ठो, हेलो ड्रामा क्वीन, हिलोगे या सोते में ही लगा दें? सोते में ही लगाऊंगी इसे। तुमने क्या सीखा? चक्षण लगाना, गोली पड़ना, बातें बनाना, सजा मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मेरे हाथों मरोगी? नहीं, अब तुम यही मेरे हाथों तड़प तड़प के मैं तुम्हें दूसरे जहां तक पहुंचाऊंगी। I'll see you। डॉक्टर से पूछे बगैर टीना को रूम में क्यों शिफ्ट कर? क्योंकि मैं कह रही हूँ बेरी से मैं बात कर लूँ। टीना, मारना नहीं था, सिर्फ सबक सिखाना था। क्या हालत कर दी है? आप इसे कह रही थी रूम में शिफ्ट करने का? पागल है ये, फुल पागल। मैं तो कहती हूँ इसे इधर ही रखें। ये तो बच गई थी, तुम्हें मनवाओ। बांधो इसे। नहीं 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 तुम्हें बांधना पड़ेगा। टीना लो बैठो, लो बैठो। क्यों नहीं बैठा? खुलो थे, खुलो थे, खुलो थे। उस्ताद जूरे, तू जिंदा है या? दरिंदे आसानी से नहीं मरा करते, लंबा सा तड़पना पड़ता है। शुक्र है, मैं तो समझा तू टीढ़ी रीढ़ी ही हो गया। आना याद आ रहा है? जी तो चाहता होगा ना, तू यहां से निकले, अपनी वर्दी पहने, अय्याशी करे, है ना? वर्दी अय्याशी है ना बदमाशी, इसीलिए हर किसी पे सचती भी नहीं। यहाँ आके हम बेकार हो गए हैं, बाहर महंगाई लूट मार बढ़ गई, हालात बड़े खराब हैं। हालात तूने खराब किए हैं ना मैंने, और ना ही हम ठीक कर सकते। वो बाहर तेरा है कौन? सोने के पिंजरे का मियां मिट्ठू बनकर मुफ्त की चूड़ी खा, यहां से निकलेगा तो पत्थर खाएगा। कौन मारेगा मुझे? कौन? वही जिन्होंने पहले मारा और फिर पागल खाने छोड़ गए। Do you promise दोबारा ऐसा नहीं होगा? Promise, promise. Last chance. दबा दो इसे, लॉक कर देना इसे। अच्छा, मेरी कहानी तो बड़ी याद है। चल अपनी बता। मसलन क्या? यही, तू खुद की चित्रोल क्यों करता है? ये सिर्फ मेरी नहीं पब्लिक की भी डिमांड है। देख, तेरा राज कोई एटम बम का फार्मूला तो है नहीं, खुद ही बता दे वरना हम चोरी कर लेंगे।
चुरा ले गए। दौरा पड़ गया। नहीं चलो मुझे भी छोड़ देख। देख ऐसे बंदा पागल लगता है, साइको लगता है। छोड़ शाबाश। नीचे नीचे शाबाश। वापस वापस ऐसे ले जा वापस। यहाँ ये उसी जगह पे तो यही ठीक है। क्या मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक रहेगा बहराम, हमें ऐसे ही करना चाहिए। I'm sorry मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहराम आराम से बात किया करो। कहाँ गई तुम्हारी इंसान दोस्ती? हमें मजलूमों का साथ देना चाहिए। मिसेस तैमूर और उनकी बेटी हक पर है। इसका फैसला अदालत करेगी। तैमूर पागल नहीं है, उनकी बीवी उन्हें पागल करार देना चाहती। डॉक्टर परी, मिसेस तैमूर को यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्हें देख के वो परेशान हो जाते हैं। ओके, अगर हम तैमूर को घर वापस भेज दें। आप अनिला जी से कहिए कि वो अपने शौहर को भूल जाए, क्योंकि तैमूर अली खान घर वापस नहीं जाएंगे। क्या करेगी वो मजलूम औरत? ये उस मजलूम औरत को सोचना चाहिए। या यू आर राइट, उसी को तो सोचना चाहिए। लेट्स सी। थैंक यू। डॉक्टर बहराम, लेट्स गो। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आपको समझ नहीं आ रही? देखो इस वक्त मेरे साथ जीनियस बात कर रहे हैं, तुम बात ना करो ठीक है? और समझाने की कोशिश ना करो, मेरा दिमाग 10,000 आरपीएम पे चलता है, तुमसे तेज हूं मैं। नहीं जाऊंगा मैं। इतना गुस्सा कर रहे हैं बाबा, क्यों इतने गुस्से में है? कौन सा बाबा, किसका बाबा? मैं तो सिर्फ एक खिलौना हूं। क्या हुआ है? अपनी नूर को नहीं बताएंगे? तुम सिर्फ उस भगौड़े की कुछ लगती हो। एक तुम नहीं सुनती, ऊपर से कमबख्त औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ी, अब इस कैद खाने के मालकिन भी मैदान में उतर गई है। खतरा बढ़ चुका है, बढ़ गया खतरा। अच्छा कमबख्त आसमान भी नहीं छोड़ा इन्होंने। चलो आगो यहां से। कई बार भागने की कोशिश की फिर पकड़े गए, कहां जाएंगे? पहाड़ में। उस बेवकूफ आदमी ने तुम्हें बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। ठीक है तुम सिर्फ उसी के लिए यहाँ डुकी हो और पड़ी रहो, और हमारा साथ सिर्फ यहां तक का था। बेटी बाप से आखिरी दम तक जुदा नहीं होती, जाने की कोशिश करके दिखाइए, नहीं जा सकेंगे। लेकिन मैं जा रहा हूं, हमारा साथ सिर्फ यहां तक का था। हर तरफ साजिशें, हर तरफ कातिल। ओ, बाबा क्या? ओ माय गॉड। इन सलाखों के पीछे जरा अच्छी नहीं लग रही। वैसे मैंने सुना है आप जो इस कमरे में आएगा यहाँ से सीधा पागल खाने जाएगा, ये तो फिर क्या बनेगा वो जो तुम कह रही थी कि मैं ड्रामा बनाने वाली हूँ? फिल्म बनाएंगे मैडम बावली और मैडम बावरी मिलके, और चलेगी 7-स्टार पागल खाने में। हमारी बेबसी पे हंसती हो? भाई भाई करके रोती हूँ दिल में। टीना मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? निकालो इसे। बेड़िया पहना कर लेकर जाऊंगी। उप्स। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें बहरी तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगी।
हो गया पागलों वाला ड्रामा क्रिएट हो गया। चलो मैं बोर हो रही हूँ, मुझे निकालना है ना। निकालो उसे, चलो निकालो। ओ रीमा यार, अरे पुलिस पुलिस को बुलाओ जरा, निकालो भाई जल्दी से भाई। निकालो क्या करने के आए थे ये मुझे बात, मैं बात हेलो ना बात इन्होंने हार यू एक सेकंड छोड़ो तो पुलिस कॉल द पुलिस। कैद में है बुल पुलिस। चलो देखो, देख रही हूँ तुम अंदर से, रुको रुक नहीं सकती तुम यार, चलो मुश्किल में तो हम क्या यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तुम्हारा मुंह बोला बाप बिल्कुल ठीक कहता था कि पागल तुम नहीं हम हैं जो तुम जैसे जाएगा उसके पीछे भाग रहे हैं, और तुम लोग को सुकून देते देते हम बेसकून हो गए और ये बेचारी तो कुंवारी रह गई है। ये बकवास करना जरूरी था, ये बकवास करना जरूरी था। ओके ओके रिलैक्स 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 भी हो जाऊंगी, पहले तुम जाओ। Going, I'm going, but you need help. You need help. Oh my God, sorry. कह दो जो दिल में है, तू बहरी नहीं अंधी हो जा किसी तरह। क्यों? पानी हवा में था और नीचे बैठ गई इतनी देर से सर। बस ऐसा ही है। नहीं। मेरा खाया हुआ मॉल निकाल। ठीक है वो सब मैं देख लूंगा, तुम ऐसा करो फिलहाल लंच के बाद मुझे नत्था की फाइल ला के दो, उन्होंने सेशन के लिए भी रेडी करो। सर आप सबके सेशंस कर, लेकिन सिर्फ एक दो को वार्ड से वापस भिजवाते वो ठीक नहीं होंगे। मेरा ख्याल है, यकीन नहीं है मुझे। नफ्सियाती मरीज का इलाज स्लो प्रोसेस है, हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। ओके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या किया मेरे बाबा के साथ? मैं पूछ रही हूँ मेरे बाबा के साथ क्या किया तुमने? तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लो कितनी मर्तबा कहा तुमसे और कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें बताया है कि उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। ठीक कहते हो, तुम दुश्मन के साथ मिल गए हो, जानबूझ के उन पर हमला हो जाए इसलिए पागलखाने भिजवाया ना उन्हें। नूर तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो अपने कमरे में बैठे हैं, जाके खुद देख। तुम जाकर देख लो, कमरे में नहीं है। कमरे में क्या, पूरे पागलखाने में नहीं है तुम्हारे, जाओ जाके देखो। व्हाट व्हाट गो, हमें पागल कह रहे हो, खुद पागल हो तुम लोग। बाब एक्सक्यूज मी, कहाँ गई है? बात अब तू मेरे साथ हो। तैमूर साहब पिछली बार कब देखा? खाना कब खाया था उन्होंने? खाना कब खाया था? खाना दिया था उनको? हमारे साथ ही खाना खाया था उन्होंने, उसके बाद इसी तरफ आए थे। वो उधर जाओ बाथरूम में देखो। तैयब जी सर। तैमूर साहब कमरे में नहीं, याद हो रहा है? नहीं सर मैंने तो नहीं देखा। तैमूर साहब नहीं मिलेंगे तो मैडम शालम को क्या? हाँ मिले, बोला था ना मैंने मिल जाएंगी, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ देखती हूँ। पुराना हो गया है कोजिया। ये कोजा क्या होता है? सोना प्यारा चीसा पप्पू है वो तो हमें। पंजाबी बड़ा मीठा जबान है लेकिन समझ नहीं आता है। हमारा पैदाइश के मौके पर अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारा नानी को। आमीन। तैमूर साहब बाहर निकले? नहीं साहब, यहां से बाहर किसी को जाने का इजाजत नहीं है। तो फिर कहां गए वो?
घूमने वाली चीज तो नहीं है वो बाप। तुम उनकी हर भागने की साजिश में उनके साथ शरीक होते हो, किधर गए तैमूर साहब? आराम से गरीब का गिरबान पकड़ लिया, किसी अमीर की इज्जत पर हाथ डालकर देखो। फजूल बातें मत करो, तुम्हें पता है तैमूर साहब कहाँ है? जिसे दिन रात तंदूर पकड़े बीवी नजर आती है वो किसी चारपाई के नीचे घुसा होगा। सॉरी फोन। इन बाबा को जिधर छुपाए हमको इधर बताओ। चौकीदारी कर, जासूसी नहीं। टेले टेले। चलो निकलो यार, चलो निकलो, अपनी अपनी जगह पहुंचो। टेडी टेडी बता के बोला करो। वाकई कोच जाइए। है अकबर खाना ड्यूटी कवा नूर बसा हुआ के। उफ, तुमने दूसरे वाले ऊपर कपड़े देखे थे कि नहीं देखे थे? जी देखा। बोला था इनको वापस पीने, कुछ हुआ? नहीं, बेड के नीचे देखा? देखा नहीं है। कबर्ड क्योंकि मैं ग्रीन हूं।